केमिकल बॉन्डिंग पेरियोडिक प्रॉपर्टीज इज दार्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते मैम मैं इतनी दूर रहता हूँ मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पाता हूँ और क्योंकि अब ऑनलाइन है और आपकी वजह से मैं ये चीज़ समझ पाया या अब मैं डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा हो सकता है वो जो चीजें होती है वो मोटिवेट करती है एक ऐसा चैनल हो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जिसमें हर okay. चीज केमिस्ट्री से रिलेटेड एक स्टूडेंट को मिले अगर कभी किसी स्टूडेंट को, कोई भी मान लो एक छोटा सा टॉपिक भी देखना है तो उसको बस ये सोचना है की अच्छा केमिस्ट्री वाइब्स पे जाना है और ये मुझे वहाँ मिल जाएगा ये मेरा एम है ऐसा कुछ क्रिएट करने का आपको लगता है

अब इनके आगे के क्या प्लान हैं आजकल क्या कर रही हैं है मैम तो जुड़े है हमारे साथ और, so, और, और आपसे मिल काफी सारी बातें है ना हम लोग करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जर्नी रही किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे आगे के क्या प्लान्स हैं सो उसी पर बेस रहेगा हमारा जो ये पॉडकास्ट है बिल्कुल So, uh, एक छोटा सा आपके बारे में ये जानना है मैम कि ये जो आपकी जर्नी रही है कहाँ से स्टार्ट हुआ आप कहां से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक कैसे आ गए सर okay. uh, मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से uh, बिलोंग करती हूँ okay. और uh, मैं वहाँ पे मेरी स्कूलिंग ट्वेल्थ तक वहीं से हुई है right. उसके बाद में मैं कॉलेज के लिए डेली आई थी एक्चुअली okay. मुझे ना हमेशा से ही टीचर बनना था मेरे पापा टीचर है okay. तो uh, मतलब बचपन से गवर्नमेंट टीचर, है. टीचर हैं बिल्कुल uh -huh. तो मैं बचपन से ही उनको देख के वही uh, टीचर टीचर वाले गेम्स खेलना और uh -huh. वो सब मैंने सब किया है वो गोदरेज की मम्मी की जो अलमारी uh -huh. होती है उस पर जो चौक से हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो सब मैंने किया है तो मुझे हमेशा से ही टीचर ही बनना था दैट वॉज माई एम एंड फिर मैं मैंने अपना ग्रेजुएशन किया उसके बाद में अपना केमिस्ट्री में मास्टर्स किया एंड फिर हम आगे टीचिंग वर्ल्ड में तो सो ये अपील so, yeah, करता है मैम टीचिंग आपको कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है या फिर सब्जेक्ट से थोड़ा सा प्यार था कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको पढ़ाऊंगी so, मुझे टीचिंग अपील करती थी मुझे मतलब टीचर बनना था दैट वॉज समथिंग जो मेरे को था लेकिन कौन सा सब्जेक्ट वो मुझे नहीं पता था okay. वो मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि ट्वेल्थ में मार्क्स ज्यादा जिसमें आ गए वो पढ़ लिया और फिर वो केमिस्ट्री उस वजह से चूज किया बट धीरे uh -huh. धीरे फिर केमिस्ट्री अच्छी लगने लगी जर्नी मैम ऑनलाइन ही स्टार्ट हुई थी या फिर आपने पहले कभी ऑफलाइन किया था ऑनलाइन में आ गए नहीं उस पहले मैंने ऑफलाइन ऑफलाइन से ही स्टार्ट किया था, भी एंड देन फिजिक्स वाला फाइनल तो ये ट्रांजेक्शन कैसा रहा मैम आप में मतलब ऑफलाइन में जो थे आप एकदम से छा गए कि बच्चों से भी इतना प्यार मिला और पॉपुलरिटी भी काफ़ी हुई आपके वीडियोस इवन देखते हैं तो उस पर इतने व्यूज़ होते हैं तो ये कैसा रहा ट्रांजिशन और ये आपने कैसे कमाल किया कि एक से ना इस पकड़ लिया आपने इस नर्व्स को कि ऑनलाइन ऑनलाइन के नफ्स को हर कोई नहीं पकड़ पाता आपको पता जी, है।, जी। है बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया क्या वो मेन चीज़ थी जिससे आप ऑनलाइन में इतने पॉपुलर हो गए सो so, मतलब एग्जैक्टली exactly तो मुझे भी नहीं पता बट आ, मैं ये बोलूँगी कि जो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया उसका हाँ। मुझे बहुत हेल्प किया मैं आ, जब हम आकाश में एज अ ट्रेनिंग फैकल्टी जब स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तो पहले हमारी ट्रेनिंग होती है मतलब मैं कहती हूँ कि जो मेरा टीचिंग करियर है वो उसके लिए वो जो तीन महीने थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसमें मैंने फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मतलब आई फील लाइक कि जो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है जो हमें सिखाया जाता है कैसे आपको पढ़ाना है वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है तो उसने okay. मेरे को एक टीचर बनने में एक स्टूडेंट की मैंटेलिटी क्या होती है वो क्या सुन किस तरह से उसे चीज़ें समझाई जाएंगी वो मुझे उन ट्रेनिंग पीरियड में पता चला था फिर जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तब मुझे बच्चों के सोचने का तरीका भी समझ आया और जब मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में गई सर मैं अपने कॉलेज टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थी मतलब मुझे ड्रामेटिक्स और डांस सोसाइटीज़ और ये सब में मुझे हमेशा से मुझे पसंद था ये सब तो कैमरा को मुझ मुझे कभी कैमरा से डर नहीं लगा बेसिकली इसीलिए तो शायद वो जो आपकी बाकी हॉबीज़ है ना उसको देखते भी रहते हैं बाकी जो चैनल से उनके मीडियम से देखते भी रहते हैं तो जब हम जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो मुझे

रियली really, उस प्रोफेशन में आते हैं तो उस प्रोफेशन में आने के बाद उनको लगता है यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है <laughs> जैसे आप भी ट्रेनिंग में आए होंगे तो ट्रेनिंग में तो बहुत मतलब दस बहुत दस घंटे देने, देने पड़ते हैं मॉड्यूल्स भी बनाने फिर आपको वो डेमोज भी देने होते हैं पेपर्स भी बनाने होते हैं

पहले टफ लगते हैं बट उसके बाद में लगता है कि वर्थ हिट थे वो एक्चुअली वो उसी ने बनाया है जो बनाया तो हाँ ओके सो एक्चुअली हम लोग वैसे तो आपको पता है मैं कोटा से हूँ और ऑल द वे कोटा से नोएडा आया हूँ मैम से मिलने के लिए मैम लेकिन अगर आपको कोटा आना पड़े बच्चों से मिलने के लिए क्योंकि तो बच्चे तो आपको जानते हैं yes, sir. फैन भी हैं आपके yes, sir. तो आप आएंगे कोटा आई वुड लव मतलब मैं तो मैं तो चाहती हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी आए और मैं कोटा जा पाऊँ तो हम तो आपको बिल्कुल रहे रहे कोटा इनवाइट करेंगे जी अगर बच्चे मुझसे वीडियो के थ्रू जुड़ते हैं हाँ। बोलते हैं कि अनुष्का अनुका मिलना है तो हम आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे मैं जरूर इवन वहाँ से कोटा की कचोरी भी लाया हूँ तो अच्छा खाएंगे कचोरी सर मुझे कोटा की आई थिंक जैन कचोरी कचौरी वाला है मुझे बहुत अच्छी लगती है दूसरी भी शॉप से वहाँ जी बिल्कुल मैं बहुत बार जब भी मैं कोटा लेकिन आपको देख के लगता है ना की आप कचोरी समोसे इस तरह की चीजें खाते होंगे

तो जब बच्चा कोचिंग में जाता है तो वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे इस पर्टिकुलर कोचिंग में जाना चाहिए सर so, uh, सबसे पहले तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइड करना चाहिए कि आप पहले तो आप कहाँ रहते हैं ओके मे बी वहाँ पे भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो मतलब ठीक नॉर्मल जरूरी नहीं है घर छोड़ना उसके एग्जैक्टली क्योंकि सर घर छोड़ने से हमें वो एक केयर जो होती है ना जिससे हम खुश रहते हैं Correct. वो अंदर से खुश रहने वाली फीलिंग खत्म हो जाती है अगर आपको घर right. छोड़ के अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप घर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे अच्छी कोचिंग सेंटर्स है तो आप डेफिनेटली घर पे ही रह के जब जितना पॉसिबल है एटलीस्ट ट्वेल्थ तक पॉसिबल है तो घर पे रहो मुझे ऐसा okay. लगता है एंड फर्स्ट फैक्टर तो ये होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं अगर वहाँ अपॉर्चुनिटी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सेकेंड इज फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर हर जगह पे अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको उनकी मर्जी के हिसाब से ज्वाइन करना चाहिए बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं। तो उनके लिए ऑनलाइन वर्ल्ड है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगी ऑनलाइन में बहुत अच्छे एजुकेटर्स है हैं जो जो अभी ऑफलाइन में मिल रहा है वो ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स को इक्वली अवेलेबल है बस ऑनलाइन में एक एक्स्ट्रा चीज जो स्टूडेंट को देनी पड़ती है दैट इज डिसिप्लिन क्योंकि जब हम ऑफलाइन में होते हैं तो हमारे पे रूल्स होते हैं हमारे पे टीचर्स होते हैं जो हमें देख रहे हैं तो हमें बैठ के पढ़ना ही पड़ता है लेकिन ऑनलाइन में ना खुद पे वो एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज आ जाती है मैम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी अभी भी इंडिया में है ना वो चीज आई नहीं है वो डिसिप्लिन वाली जो चीज है ना हाँ नहीं आई जब हमारे कोटा वापस ओपन हुआ था आफ्टर को हाँ। तो ये जो 2022 वाला सेशन था इसमें एकदम से बहुत सारे बच्चे ना ऑफलाइन के लिए पहुंच गए ऐसा लग रहा था कि जैसे ये भरे पड़े इनको कोटा ही जाना था या फिर ऑफलाइन कोचिंग के लिए ये बैठे हुए थे ये तो है क्या चीज क्लिक हुई मतलब ऑनलाइन में क्या चीज उनको नहीं मिली जो उनको ऑफलाइन में खींच लाई एकदम से Uh, हो सकता है एक uh, आपके अराउंड जैसे uh, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और जब आप अपने जैसे और लोगों से मिलते हैं रोज Correct. तो आपको आपका एक थॉट प्रोसेस वैसा ही होता है एक आप बंद कमरे में अकेले बैठे हैं और आप पढ़ाई तो तो yes, exactly. तो तो मतलब एक्सैक्टली अगर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट में अगेन वही मैंने आपको बोला कि जो ऑनलाइन पढ़ता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है खुद पे डिसिप्लिन बनाना पड़ता है तो अगर वो वो कर ले तो जो एक कोचिंग जा रहा है और जो घर पे ऑनलाइन पढ़ रहा है दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि टीचर्स हर जगह पे इक्वली अच्छे अवेलेबल हैं फिलहाल एक मैम कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो कोचिंग है वाई कोचिंग रिक्वायर्ड okay. क्योंकि वैसे भी सारा सिस्टम तो बना हुआ है ट्रेडिशनल uh, जो हमारे सिस्टम है स्कूलिंग है फिर स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं बुरे स्कूल हैं सारे हैं लेकिन स्कूल है जिसके लिए और सिलेबस तो सेम है

ये आप क्योंकि केमिस्ट्री से है इसलिए केमिस्ट्री का मैं पूछ रहा हूँ मेरा खुद का भी फोबिया रहा है केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छा। केमिस्ट्री का फोबिया हमेशा से रहा है मेरे ओके okay. कई सारे बच्चों के अंदर होता है क्यों नहीं आती है समझ में ये केमिस्ट्री सर so, <laughs> आपके पास मैथ्स थी आपके पास बायो थी मैथ्स थी <laughs> मैथ्स थी आपको फिजिक्स पसंद थी हाँ भी okay. भी पसंद थी आ, भी पसंद थी थी और फिजिक्स लेकिन केमिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट लगता था <laughs> मुझे फिजिक्स का फोबिया था <laughs> <Okay>. <laughs> मुझे फिजिक्स नहीं समझ आती थी मेरे पास भी मैथ थी बट मुझे फिजिक्स कभी समझ नहीं आती थी मुझे केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी मुझे ऐसा लगता था कि फिजिक्स कैसे शुरू करूँ मैं उसमें स्टार्ट ही हम लेटे अज्यूम से होता है तो आई वॉज लाइक कि ऐसा क्यों केमिस्ट्री में एटलीस्ट सर लेटस्ट अज्यूम से तो स्टार्ट नहीं था मैं फिजिक्स की में नहीं कर रही हूँ पहले ही बता रही हूँ ठीक है लेकिन उसकी स्टार्टिंग ही लेटेस्ट अज्यूम से होती है बट केमिस्ट्री में हर चीज़ का रीजन तो है लेकिन अगर बच्चे को समझ ही नहीं आती किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे कैसे इसको इजी किया जा सकता है केमिस्ट्री में सर ऐसा कुछ नहीं है जैसे स्टूडेंट्स को फोबिया होता है मतलब आई थिंक उनको डर इसी बात का लगता है कि यार रटना है आई डोंट नो रटने से डर लगता है कि हर चीज़ लॉजिकल है हर चीज़ एक्सप्लेनेबल है हर चीज़ के पीछे रीजन है

इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री ये दो चैप्टर्स केमिस्ट्री के, के हार्ट हैं okay. इसके अलावा अगर हम बात करें मोल कांसेप्ट ऐसा सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वो ऐसा टॉपिक है जो आ, फिजिकल हो गया ऑर्गेनिक हो गया ये हर जगह ही यूज हो जाता है हर जगह ही मिक्स हो जाता है और इससे सवाल आ जाते हैं तो आई थिंक ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बिना अगर हो अच्छे हो तो फिर आगे की जर्नी जो है थोड़ी इजी रहेगी बच्चे के लिए ओके आपको क्या मोटिवेट करता है मैम वर्क करने के लिए आप क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस भी लेते हैं ऑनलाइन भी होती हैं सारी चीज़ें वॉट मोटिवेट्स यू सर क्योंकि अभी तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो आई कैन टेल बी ऑनलाइन में मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती है uh, जब पूरा दिन क्लास लेने के बाद में हम बैठते हैं और हम भी कमेंट्स गो थ्रू करते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी uh, बताते हैं कि मैम मैं ये चीज़ बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी समझने का आई थिंक मेरे को भी एक स्टूडेंट का नाम याद भी है नगमा एक मेरी स्टूडेंट है जिनके जिनका कमेंट हमेशा आता है मेरी मेरे ऑनलाइन क्लास में भी मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं सर जो मुझे हर आधे घंटे बाद में क्लास में खुद से याद दिलाते हैं कि मैम आधा घंटा हो गया मैम पानी पी लो आप थक गए हो <laughs> तो वो जो ऑनलाइन सामने हम देख नहीं रहे मैं शायद उनसे कभी मिली नहीं हूँ बट फिर भी वो एक कनेक्शन जो बन जाता है वो मोटिवेट करता है okay. बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं कि मैम मैं इतनी दूर रहता हूँ मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पा मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पाता हूँ और क्योंकि अब ऑनलाइन आ गया है और आपकी वजह से मैं ये चीज समझ पाया या अब मैं डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा हो सकता है वो जो चीजें होती हैं वो मोटिवेट करती हैं तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे बच्चे अपनी इनोसेंस में

उसके बारे में क्या कहना है कि उनको कर लेनी चाहिए या फिर आप क्या सोचते हैं उस बारे में वट इज योर व्यूज सर हर चीज का एक टाइम होता है hmm. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रिपरेशन जर्नी होती है हाँ क्योंकि वो एज ही ऐसी है जिसमें उनको सब चीजें अभी चाहिए कि मैं hmm. मैं हर चीज उसको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए बट अगर ये टाइम क्योंकि ये ये बात सभी बोलते हैं कि बस इलेवेंथ तक पढ़ लो सिर्फ ट्वेल्थ तक पढ़ लो ये बात मैंने भी बहुत अपने वो उसका क्या लिमिट है वैसे आपके अकॉर्डिंग कि यहाँ तक तो पढ़ ही लो तो आपके बाद में फिर थोड़ा सा उसकी लिमिट तो कोई नहीं है ये बात मैं बता सकती हूँ कि मेहनत तो ट्वेल्थ के बाद भी करनी होगी कॉलेज में भी करनी होगी जॉब में भी करनी होगी बट एक चीज है जितनी मेहनत ये प्रिपरेशन जर्नी में करनी होती है उतनी फिर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि फिर आपका कॉलेज अच्छा होगा आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी कि आपका कॉलेज का नाम जो है hmm. मतलब इंडिया का सिस्टम यही है कि आपका कॉलेज के नाम से आप जाने जाते हो राइट right. राइट right? और अगेन सेम फॉर नीट आपका अच्छा कॉलेज है आप अच्छे डॉक्टर मतलब जो भी है नाम मैटर करता है इंडिया में तो मतलब कि करती है अभी अगर वो ये कर लेगा मुझे, अभी मेहनत कर लेगा अभी मेहनत कर लेगा तो बाद में जिंदगी ऐसा तो नहीं कहूंगी मतलब जा, जा सकती है लेकिन अगर अभी नहीं किया मेहनत तो फिर बाद में ऑप्शन भी है फिर बाद में रिग्रेट क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा ये दो साल जो होते हैं प्रिपरेशन वाले ये वापस नहीं आते हैं तो ये और ये समझते काफी लेट है। सो तो तो so, एक लास्ट आपसे पूछना है मैम कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई जैसे आपने बताया कि आकाश से आप स्टार्ट हुए फिर एटीपी में आए फिर आप पीडब्ल्यू में आ गए और फिर अभी

अभी मुझे ऐसा था कि अपना चैनल हो एक ऐसा चैनल हो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जिसमें okay. हर चीज़ केमिस्ट्री से रिलेटेड एक स्टूडेंट को मिले अगर कभी किसी स्टूडेंट को कोई भी मान लो एक छोटा सा टॉपिक भी देखना है तो उसको बस ये सोचना है कि अच्छा केमिस्ट्री वाइब्स पे जाना है और ये मुझे वहां मिल जाएगा okay. ये मेरा एम है ऐसा कुछ क्रिएट करने का एक पूरा केमिस्ट्री वर्ल्ड क्रिएट करने का और शुरू जब मैंने मैंने किया था तो स्टूडेंट्स को कहा है, अभी बहुत सारी जैसे अभी अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट्स वन शॉट्स भी नहीं मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ okay. जी तो ये, तो ये माने कि आप

कुछ आठ नौ मेरे पॉइंट्स हैं आपको जस्ट एक एक उसमें से चूज करना है वॉट यू लाइक और वोट यू रिकमेंड एक्चुअली ओके सो फॉर द कोचिंग कोटा और अदर सिटी जहां भी आप रहते हैं ओके ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन मैं ऑनलाइन हूँ जेई और नीट 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 लेकिन रिस्पेक्ट है सीरियसली <laughs>

मनीला yeah, या बाली बाली ओके कार में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज <laughs> मुझे दोनों ही नहीं कोई नॉलेज नहीं है कार्स की जो भी मिले बीएमडब्ल्यू <laughs> और खाने में दाल राइस या राजमा राइस दाल राइस ओके सो थैंक यू ये थी अनुष्का मैम एंड आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे एंड स्टूडेंट्स आपको अगर कोटा बुलाना है तो जरूर आप कमेंट लिखें और हम अनुष्का मैम को कोटा जरूर बुलाएंगे थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सर